व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो पर्सनली मैंने कभी कोई भी रियल डिजाइनर आइटम परचेज नहीं करी है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव आती है यार, लेकिन मैंने उसका भी तोड़ निकाल लिया है। तो मैंने बहुत ही सारे फेक डिजाइनर प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे हैं मीशो से, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है यार उस ऐप पे। एंड आज हम एक एक करके देखेंगे कि वो रियल में वर्थ इट है भी या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यार देखो मेरे को लगता है इंडिया में मोस्टली सब ब्राइड का एक सव्यसाची ब्राइड बनने का तो ड्रीम होता है, लेकिन उसके लहंगे कितने ज्यादा महंगे आते हैं, इनफैक्ट उसके एक्सेसरीज भी महंगी आती है। लेकिन तो मेरे पास है ये सव्यसाची की बेल्ट जो कि ओरिजिनली आती है 20,000 रुपीज की, लेकिन ये मुझे पड़ी है सिर्फ 165 रुपीज की। मेरे को इसके साथ एक और बेल्ट फ्री मिली है, मतलब मेरे को 165 की दो बेल्टें मिली है। इतना सस्ता तो सरोजनी भी नहीं देता यार। हम पहले सव्यसाची वाली ओपन करेंगे। पूरा लोगो दे रखा है यार उसपे। वाओ, ये सेम उसकी तरह ही कॉन्सेप्ट बना रखा है इन्होंने, जो ऐसे पीछे से बांधना होता है, ऐसे ये होता है इसमें, ये होता है इसमें। हाँ मैंने देखा है, मेरे को रियल में नहीं देखा, मैंने ऑनलाइन देखा है। तो ये रहा रियल मतलब फेक सव्यसाची वाला लोगो, एंड इसके पीछे बिल्कुल भी वर्क अच्छा नहीं दे रखा है, ऐसे टेप लगा रखे और ये बहुत ही चिप्पी चिप्पी कर रहा है, तो आगे से मेरे कपड़े खराब कर देगा। क्या ही फर्क पड़ता है, वो रियल डिजाइनर तो होने नहीं वाले। इट्स ओके। इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसको मैं एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये यहीं पे ही जाके बंद होएगी, कोई इसमें एडजस्ट वाली थिंग नहीं है और ये बहुत ही खुली आई है मेरे को, दिस इज नॉट फॉर मी। लेकिन इसकी क्वालिटी एक्चुअली में ठीक ठीक भी नहीं है, ये निकलने को हो रहा है, ये देखो ये कभी भी किसी वक्त गिर सकता है, ये बहुत ही चिप्पी चिप्पी सा है। इसका जो लेदर वाला ये मटेरियल है दैट इज़ ऑल्सो नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, स्टिचिंग भी बहुत ही पुअर करके, मतलब तुम देखते ही पता लगा सकते हो कि सोनिया यार ये तो नकली है। कोई बात नहीं, मेरे को एक और बेल्ट मिली है फ्री में, ये भी देखते क्या है। ये ऐसे ही नॉर्मल बेल्ट, यार ये तो बहुत ही हल्की प्लास्टिक क्वालिटी है इसकी। ये वाली बेल्ट इस बेल्ट से ज्यादा शाइन कर रही है। वाओ, इस वाली का भी सेम कॉन्सेप्ट है, पीछे ऐसे इन्होंने बटन्स दे रखे हैं, एंड ये भी मुझे पता है लूज आने वाली है, बट इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इसका मस्ट यूज करने वाली हूँ। तो सबने एमसी स्टैंड को मस्ट ज्वेलरी लॉकेट पेंडेंट्स वगैरह पहने देखा ही होगा, एंड वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। उनका जो बहुत ही पॉपुलर मेरे को जो पेंडेंट अच्छा लगा, हिंदी जिस पे लिखा हुआ है दैट इज टू बिग एंड सो 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 एक्सपेंसिव, लाइक वो 1 करोड़ से भी ऊपर का है, बोलते हुए मेरे हाथ कांप रहे। लेकिन मेरे को सिमिलर चीज मिली है 250 रुपए में, बोलते हुए शर्म नहीं आती सोनिया। लेकिन ये बहुत ही छोटे से बॉक्स में आया, उनका हिंदी वाला पेंडेंट तो बहुत ही बड़ा, लाइक वो अलग से ही दिखता है, बट इसी से काम चलाते हैं, देखते हैं क्या मिला है हमें। वूहू, मस्त। अरे हाँ, स्पेलिंग तो सही लिखी है। तो ये रहा हमारा हिंदी पेंडेंट, एंड इसके साथ चेन इन्होंने अलग से दिया है, कह रहे इतने में तुम्हें इतना ही मिलेगा, खुद ही कर लो, हम लगा के भी दे अब इतने पैसों में। लेकिन मेरे को दिख रहा है कि जो इसका सिल्वर कलर है पेंडेंट का और जो चेन का है वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। मैं इस शुभ अवसर के लिए मन्नी को बुलाना चाहती हूँ। ले मन्नी, तू भी क्या याद रखेगा, करोड़ों की चीज बना रहा आज तू मुझे मेरे गले में। क्या मुझे ये पहन के घूमना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों अब? नहीं। अरे यार तो कूल लग रहा है वैसे, ये बहुत ही अच्छा लग, मेरे को ये आइडिया और कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा, इट्स वेरी कूल दैट वे। लेकिन ऑब्वियसली जो चेन और पेंडेंट है उनका कलर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, वो बहुत ही डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो स्टोन्स दे रखे हैं उनकी भी क्वालिटी ऑब्वियसली ओकेश टाइप सी है, इतने कोई शाइन भी नहीं कर रहे। आई मीन पता ही चल रहा है कि डायमंड छोड़ो, वो नकली स्टोन्स भी बहुत बुरे क्वालिटी के लगे हुए हैं, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा हमें। बट यू नो व्हाट, आई काइंड ऑफ लाइक इट, ये मेरे ट्रेजर में जा रहा है ज्वेलरी बॉक्स में। कितनी खुश हूँ मैं 250 रुपए की चीज में। देखो यार प्राडा मुझे भी पसंद है दूर से, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महंगा आता है। जो उसके पॉपुलर शूज है ब्लैक बूट्स, वो अराउंड 1.5 लाख रुपए के आते हैं। देखो अब करोड़ों की बात हो गई है तो तुम्हें 1.5 लाख बहुत ही कम लग रहे होंगे, पर 1.5 लाख के शूज जो कि मुझे सिर्फ 550 के पड़े हैं, मेरे लिए तुम इतना वो मत फील करो, मैंने तो बहुत ही सस्ती डील क्रैक करी है। तो शूज पहनने से पहले हमें चाहिए सॉक्स। देखो गाइस, मैं ऊपर से कितना भी एक्सपेंसिव लगने की कोशिश करो, हमारे सॉक्स में तो छेद रहेगा ही, एंड इनफैक्ट मेरे को मैचिंग सॉक्स भी नहीं मिलती कभी, मेरे शूज में हमेशा ये हो रहा होता है अंदर, दैट्स अ सीक्रेट ओनली यू गाइस नो नाउ। ओके, जूतों की बारी। क्या रियल प्राडा के जूतों में न्यूज़पेपर निकलता होगा? आई डोंट थिंक सो। इसके अंदर लिखा हुआ है एक्स टून, और वैसे ओरिजिनली ये 1500 रुपए के हैं, बट हमें तो ये 550 के मिले। ओके, कोई आराम से आ गए मेरे को, मैं सस्ती प्राडा गर्ल जरूर लग रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं। ओरिजिनली ये इतने ज्यादा शाइन नहीं करते, एंड वो थोड़े ऊपर तक और आते हैं, थोड़े से मेरे को एंकल लेंथ पे आए, तो ये बूट शू के बीच में कहीं आ रहा है। नीचे जो सोल है इन्होंने काफी सिमिलर बनाने की ट्राई करी है, एंड मुझे लग रहा है कि ये काफी चीज कूल लग रही है, काफी हार्ड भी है ये, बट पीछे देखो थ्रेड्स वगैरह सब निकल रहे हैं, स्टिचिंग में सब पता चल रहा है, इनफैक्ट कटिंग में भी इक्वल नहीं है ये।
ये बहुत ही वियर्ड पतला सा इन्होंने फॉल लेदर यूज करा हुआ है, अगेन थ्रेडिंग बहुत ही वियर्ड, और ये बकल तो निकलने को हो रहा है, पता नहीं ये कैसे लगाया है इन्होंने। थोड़ी यहाँ पे मेरे को ग्लू भी दिख रहा है, ओ ये देखिए पूरा निकल रहा है, सी यहाँ पे पूरा ग्लू लगा रखा है इन्होंने। तो हाँ फिनिशिंग अच्छी नहीं है इसमें, तो आई गेस इतने में तुम्हें इतना ही मिलने वाला है, अदरवाइज 1.5 लाख रुपए। मैं तो ट्राई हार्ड कर रही हूँ दिखाने की कि मैं कितने डिजाइनर चीजें पहनती हूँ, बहुत ही महंगी वाली, बट शूज यार मेरे को वैसे सही लग रहे हैं, लाइक इट्स क्वाइट कम्फर्टेबल, फिट मेरे को बहुत ही ज्यादा सही आया। लेकिन मैं अभी एक सेकेंड ऐसे बैठी ना, इतनी जल्दी यहाँ पे पूरी लाइन आ गई, तो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, मुझे लग रहा है बहुत ही जल्दी क्रैक आके ये फटने लग जाएंगे, एक सेकंड की बात हुई है ये जस्ट। ओके दैट्स द प्राइस यू पे, बट वैसे मस्त लग रहे हैं, वेरी कंफर्टेबल, अंदर से सोल भी सॉफ्ट है। हाँ क्या मेरे हाथ में ये 80,000 रुपये का बैग तुम्हें असली लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो ऑब्वियसली क्योंकि ये 550 रुपये का है, लेकिन ये ओरिजिनली अलेक्जेंडर वॉन्ग की कॉपी इन्होंने बना रखी जो कि 80,000 रुपये का आता है। यार घर जाएंगा इसमें, मुझे लग रहा है, मैं नहीं बोल रही, ये MC स्टैंड की थोड़ी सी वाइब आ रही है अंदर, लेकिन जस्ट लुक एट द बैग, दिस ब्यूटी। ये इन्होंने काफ़ी सिमिलर कॉपी करने की ट्राई करी है, बट मैं ज़्यादा इंप्रेस नहीं हो पाई क्योंकि देखते ही मुझे 10 डिफेक्ट्स इसमें पता चल चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ये सारी लाइनिंग जो है ना छोड़ रखी है, यहाँ पे वर्क इन्होंने पूरा नहीं कर रखा है, सो दैट्स फर्स्ट फ्लॉ। सेकेंड जो इस पर मटीरियल यूज़ हुआ है ना, ये इन्होंने चिपका रखा है, लेकिन ओरिजिनल बैग में डायमंड वाले राइनस्टोन्स हैं जो कि ऐसे लाइक चिपका नहीं रखे, लाइक ऐसे इंस्टॉल कर रखे हैं आउट से, तो या वो दूसरी चीज़ है, खोल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। एक और चेन मिली है मेरे को, इतनी लंबी, ये ख़त्म ही नहीं हो रही, ये बहुत बड़ी है कहाँ लेके जाऊंगी मैं इसको। बट ओवरऑल मेरे को लग रहा है कि लाइक शादी ब्याह में पहनने के लिए ये वाला बैग काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये ब्लिंगी है ना, शाइन देता तो वैसे अच्छा लगेगा, तुम वैसे कैरी कर सकते हो ऐसे कैजुअल आउटफिट के साथ भी, बट हाँ ये थोड़ा लोकल तो ज़रूर लग रहा है, तो या इफ़ यू डोंट माइंड गो अहेड विद दिस, क्योंकि ओवरऑल ये वैसे सही लग रहा है, लाइक अगर मैं इसे कंपेयर ना करूँ सिर्फ इसको देखूँ ना, तो वैसे इसकी क्वालिटी अच्छी है, ऐसे कोई बुरा लेदर नहीं यूज़ कर रखा, स्टिचिंग भी परफेक्ट है, कोई थ्रेड्स नहीं निकल रहे, वैसे इसकी क्वालिटी अच्छी है, 550 में ओवरऑल अ गुड बैग। हमें बहुत ही मस्त डेस्टिनी ज्वेल्स के पिंक बॉक्स के अंदर सुंदर शनेल के इयररिंग्स आए हैं, वैसे मैंने इनका ना ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करने की ट्राई करी, मेरे को मिला नहीं, लेकिन मेरे को कहीं पे सेकेंड हैंड प्राइस मिला जो था अराउंड 1,21,000। मेरे को लग रहा है जो ओरिजिनल प्राइस है ना वो शायद इन सेकेंड हैंड वालों के प्राइस से कम हो सकता है, क्योंकि जो ये डिजाइनर पीसेस होते हैं ना ये अप्रिशिएट करते हैं वैल्यू में इन टाइम, मतलब ये एज अ इन्वेस्टमेंट लोग देखते हैं, तो अगर मैं तुम्हें अपनी रियल डिजाइनर चीज यू नो दे रही हूँ एज अ सेकेंड हैंड, तो मैं उसको ऑब्वियसली ज्यादा करके बेचूंगी क्योंकि मस्त पैसे। तो ये 30 रुपये के इयररिंग्स मेरे कान से निकल चुके हैं और अब हम 217 वाले पहनेंगे, मेरे लिए तो ये भी बहुत ही बड़ी बात है, ये भी थोड़े महंगे ही है मेरे लिए, भाई आराम से फिट हो गए, ये बहुत ही टाइनी से है, मैं यूजुअली इतने छोटे पहनती ही नहीं हूँ, मेरे को लगता है वो दिखते ही नहीं, मेरे बालों के पीछे छुप जाते हैं, बट ठीक है। चला ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, इसमें ना दो सीन उन्होंने ऐसे अलग अलग कर रखे हैं, यूजुअली जो ओरिजिनल इयररिंग होता है उसमें या तो वो चिपके होते हैं और चिपके में भी वो ऐसे क्रॉस्ड होते हैं लाइक दिस, देखो अब ये रियल लगे या ना लगे, दिखने में ओवरऑल ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ऐसे डेंटी सा पीस है, तुम डेली में पहन सकते हो, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, इनफैक्ट तुम्हारे फॉर्मल वेयर या फिर कॉलेज में भी तुम आराम से इन्हें पहन के जा सकते हो, बहुत ही हल्के प्यारे से, इनफैक्ट ये बज भी नहीं रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, दैट्स नाइस यार। तो मैंने बहुत ही सेलिब्रिटीज़ को ये अमीरी की टी शर्ट पहने हुए देखा है, बहुत ही सिंपल टी शर्ट है, इसमें बहुत ही कलर्स आते हैं एंड सिर्फ एक लोगो बना होता है और अमीरी लिखा होता है, ये मेरे को 200 रुपये की पड़ी है, बट ओरिजिनली ये 37,000 एंड 38,000 के कहीं बीच में है, इट्स क्रेजी, मैं तो 200 रुपये में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लाइक आई रियली डोंट माइंड, और ये बहुत ही सही आई है, लाइक आई एम ओके विद इट, मेरे को नहीं इतना फर्क पड़ रहा है, इनफैक्ट ये काफ़ी स्ट्रेचेबल मटेरियल, मेरे को लग रहा है मैं जिम में पहन के ना चले जाओ, क्या मस्त लगूंगी जिम में अमीरी की टी शर्ट, ओहो क्या ही अमीरी छा रखी है, आई गेस ये नॉर्मल एक शॉर्ट्स के साथ भी बहुत ही प्रिटी लग रहा है यार, सिर्फ 200 रुपये, अमेजिंग, मेरे बाकी के 36,000 रुपीज बच गए, इतना गंदा मैथ, ओ गॉड तू सोनिया। फाइनली एक वॉलेट तो मैंने मंगवाया है, फेंडी का वॉलेट, तो ये कुछ ऐसे आया है, ग्रीन बॉक्स में ऊपर टेप लगी हुई है, टेप मैंने खोल ली है एंड ओए, ओ मेरे को फ्रेंडशिप बैंड मिला है,
उस पे फ्रेंड भी लिखा हुआ है। ओ भाई सा फ्रेंडी और मैं अब दोस्त बन चुके, दिस इज सो सरप्राइजिंग भाई सा, मन नहीं है तेरा हुआ। जो ये छोटी सी चीज मेरे हाथ में, ये ओरिजिनली 35,000 के अराउंड है, लेकिन मेरे को ये सिर्फ 120 रुपए की पड़ी है। लिटरली जो लोकल मार्केट के प्राइसेस होते हैं उतने में मेरे को ये पूरा फेंडी का वॉलेट मिला। ये कुछ इस तरीके से खुल रहा है, अंदर तुम मस्त अपने कार्ड्स रख सकते हो। दिस इज इनसेन। इनफैक्ट ये मेरे को काफी सही लग रहा है, ये मेरे को लोकल मतलब है वो लोकल बट ये इतना लोकल नहीं लग रहा। मतलब ये कलर्स भी इन्होंने काफी सिमिलर करके दिए हैं, बट अगेन थ्रेड्स वगैरह तो निकल ही रहे हैं। स्टिचिंग में से पता चल जाता है कि यू नो डिजाइनर कितना है ये। पता नहीं क्यों मेरा तो दिल सा आ गया इस पे 120 रुपए की ये चीज पे। मतलब मैं इसे यूज कर सकती हूँ आराम से, तब बुरा नहीं लग रहा है ये, इतना प्यारा सा छोटू छोटू। तो मेरे को 70,000 के बैलेंसियागा के शूज, जो कि बहुत ही पॉपुलर उनका डिजाइन है ब्लैक एंड व्हाइट वाले, वो मेरे को पड़े अराउंड 550 से 600 रुपए के बीच में। एंड ये मेरे को देखते ही पता चल रहा है उन्होंने मेरे को बेसिक ब्लैक स्पोर्ट शू भेजा, ये बहुत ही ज्यादा हल्का है। हाउ इज दिस पॉसिबल? इस पे कहीं भी बैलेंसियागा भी नहीं लिखा हुआ है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट जो उन्होंने एक्चुअली मुझे फोटो में दिखाया है। ये बहुत ही आराम से फिट आ गए, लेकिन ये बहुत ढीले भी है। मैंने लिटरली सरोजी नगर में एग्जैक्ट कॉपीज देखी है, ये तो बिल्कुल उसके पास भी कहीं मैच नहीं कर रहा। ये तो बहुत ही रैंडम लोकल सा शू लग रहा है, एंड या मेरे पैसे वेस्ट। देखो मोस्टली ना हमारे दिमाग में यही आता है कि हमको एक लोकल चीज क्यों खरीदे, थोड़े पैसे लगा के सेव करके एक अच्छी ओरिजिनल डिजाइनर चीज ही ले लेते हैं, चाहे वो थोड़ी सी महंगी भी क्यों ना है, क्वालिटी मिल जाएगी। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनली मेरे को डिजाइनर का इतना वो नहीं होता है, फेक भी चलता है मेरे को बस ये होता है कि वो अच्छी दिखनी चाहिए एंड मैं उसे पुल ऑफ कर पाऊँ, मैं यू नो 10 तरीकों में स्टाइल वगैरह कर पाऊँ, मेरे काम आ जाए वो अच्छे से, मेरे तो पैसे वसूल हो जाते हैं। जैसे कि आज की वीडियो में भी काफी चीजें अच्छी निकली, काफी चीजें अच्छी नहीं भी निकली। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा था आज की वीडियो में से इन द कमेंट्स डाउन बिलो। तो देखते हैं कि मैं इसमें से क्या रख पाऊंगी एंड क्या मैं चीजें यूज भी कर पाऊंगी। एंड या टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।